اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शाहों की तरह पलटे हैं वो दर से तुम्हारे, आए थे जो कल चाक गरीबान सकीना। अब्बा या खिशर के अब्बास के पर चंपा है तहरीर अभी तक, अब्बास के पर चंपा है तहरीर अभी तक, वो तशना लबी जिसका है उन्वान सकी। कुरान मजीद का
वाज़े तौर पर यह ऐलान है कि मेरे रसूल, जो लोग आपसे आपकी रिसालत के बारे में सवाल करते हैं उनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह गवाह है और दूसरे वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। गवाह वही होगा कि जिसने सारे मनाजिर को अपनी आंखों से देखा हो, गवाह वही कहलाएगा। क्योंकि रिसालत का गवाह, तो जब से रिसालत है तब से गवाह, या यूं कहूं कि जब से रसूल हैं तब से गवाह। अब रसूल कब से हैं, तो खुद रसूल ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो जब से रसूल हैं तो जब से गवाह भी होगा। गवाह बनाया है रिसालत का, एक वो है कि जो किसी को नजर नहीं आता। अब अगर महसूस कर लेगा ये जुमला तो बात आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। रिसालत के दो गवाह हैं, एक वो है जो किसी को नजर नहीं आता और एक वो है जो सबकी समझ में नहीं आता। रिसालत के दो गवाह हैं, एक वो है जो किसी को नजर नहीं आता और एक गवाह वो है जो सबकी समझ में नहीं आता। और जिसकी समझ में आ जाता है फिर वो ईमान के दसवें दर्जे पर होता है, फिर वो ईमान के दसवें दर्जे पर होता है। तो अब दो गवाह हैं रिसालत के। इधर आ जाइए सीन भाई, सलावात पढ़िए मोहम्मद रिसालत के दो गवाह हैं, एक वो जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, इसलिए कि वो जिस्म व जिस्मानियात से मुबर्रा है। अगर उसके लिए तसव्वुर कर लिया जाए तो आप बंदे नहीं, वो खुदा नहीं। तो एक वो गवाह है जो किसी को नजर नहीं आता। तो हमने मुसलमानों से पूछा कि आपने माना कैसे उस गवाह को कि जिसे कभी देखा नहीं। भाई जिसे कभी देखा नहीं उसे रिसालत का गवाह माना कैसे, का जिस रसूल का गवाह था उसी रसूल ने बताया कि वो है, उसी रसूल ने बताया कि वो है, इसलिए हमने मान लिया, इसलिए हमने माना। तो आपने पैमाना क्यों बदल दिया? जिस मोहम्मद के कहने पर आपने उसे बगैर देखे मान लिया, उसी मोहम्मद के कहने पर अली को देख के भी नहीं माना। पहले गवाह को बगैर देखे माना और दूसरे गवाह को देख के भी नहीं माना। देखिए सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं। दूसरे गवाह को देख के भी नहीं माना और आप उसे मान भी नहीं सकते थे, इसलिए कि आप तो अपने जैसे को मानते हैं। महसूस कर लीजिएगा जुमले को, आप तो अपने जैसे को मानते हैं। अल्लाह ने जिसे गवाह बनाया है रिसालत को, उसकी शान यह है आंखें हैं ऐनुल्लाह, चेहरा है वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह। सलावात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक मिल का सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले बाद और किया। जो दूसरा गवाह है उसकी आंखें हैं ऐनुल्लाह, चेहरा है वजहुल्लाह। दो गवाह, मैंने अर्ज किया कि वो है जो दिखाई नहीं देता और ये है जो समझ में नहीं आता। उसने अपने को रिसालत का गवाह बनाया और दूसरा गवाह वो रखा कि नाम तो उसका अली हो मगर जलवे खुदाई के हों। नहीं महसूस कर रहे हैं आप भाई? हमने दूसरा गवाह वो रखा है, फिर मैं जुमला कह रहा हूं, दूसरा गवाह रिसालत का वो है कि जो सो जाता है तो मोहम्मदियत के जलवे नजर आते हैं और जागता है तो खुदाई के जलवे नजर आते हैं। सो जाए तो मोहम्मदियत के जलवे, जागे तो खुदाई के जलवे। मगर हर मंजिल पर मेरे मौला ने सजदा करके बताया कि मुझे खुदा ना मानना। नहीं महसूस कर रहे हैं आप? मुझे खुदा ना मानना, मैं तो उस एक को मनवाने के लिए आया हूं, मैं उस एक को मनवाने के लिए आया हूं। बस यही फर्क है हम में और उसमें। अब तवज्जो चाहता हूं, यहां शोराय जवील एहतराम बैठे हुए हैं, इनसे तवज्जो चाहता हूं कि अली की सबसे बड़ी फजीलत ही ये है कि वो रह जाए, ये रह जाए। नहीं महसूस किया आपने भाई जो मैं कह के गुजर गया हूं? अली की सबसे बड़ी फजीलत ही यह है कि वो रह जाए, ये रह जाए, ये मुर्दे जिला के भी अली रह जाए, वो बना के भी खालिक रह जाए। सलाद वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? गौर कर रहे हैं आप? दूसरा गवाह। अच्छा, शहीद गवाह को भी कहते हैं और शहीद जिंदा को भी कहते हैं। शहीद गवाह भी है और जिंदा भी है, तो ये कैसे हो गया कि गवाह भी हो और जिंदा भी हो? मामला यह है कि अल्लाह की वहदानियत को बचाते हुए उसकी राह में बेजुर्म व खता कत्ल हो जाना यह शहादत है। नहीं महसूस कर रहे हैं आप? यह शहादत है। और शहीद होते होते उसकी वहदानियत को बचा लेना यह गवाही है। नहीं महसूस किया आपने भाई जो मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं? अपने को मैदान कताल में ले जाना और फिर उसकी वहदानियत का परचम लहरा देना और उस अंदाज में कि जब सरोतन में जुदाई हो चुकी हो। महसूस किया आपने भाई? मैं बहुत दूर तक बात को ले गया हूं। जब सरोतन में जुदाई हो गई हो, सही सालिम रहते हुए अल्लाह की वहदानियत को मानना कमाल नहीं है, मगर रगे जा कट जाने के बाद, महसूस करिए भाई, रगे जा कट जाने के बाद भी उसका सजदा करना, यहां पर साबित हुआ कि शहीद जिंदा भी है, गवाह भी है। सलाद वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। महसूस किया? शहीद जिंदा भी है, गवाह भी है। वरना हाबील और काबील, तवज्जो चाहता हूं, जनाबे आदम के दो बेटे हाबील
और काबिल, दोनों ने अपनी अपनी नज़र बारगाहे अहदियत में पेश की। एक की नज़र कबूल हो गई, एक की नज़र नहीं कबूल हुई। ये बताइए कि दोनों ने नज़र तो पेश की थी अल्लाह की बारगाह में, हाबील की नज़र कबूल हो गई, काबिल ने जो नज़र पेश की थी वो कबूल नहीं हुई, तो काबिल का झगड़ा हाबील से हुआ था या खुदा से? नहीं महसूस कर रहे हैं भाई जो मैं कहने जा रहा हूं? काबिल का झगड़ा हाबील से हुआ था या खुदा से? का असलन खुदा ही से झगड़ा हुआ था, क्योंकि भाई नज़र उसकी बारगाह में पेश की गई थी ना, तो अल्लाह ने नज़र कबूल नहीं की, तो काबिल का झगड़ा उससे हो गया, लेकिन खुदा मिला नहीं। खुदा मिला नहीं, इसलिए खुदा वाले को कत्ल कर दिया। नहीं महसूस कर रहे हैं आप भाई जहां मैं बात को ले गया हूं? खुदा तो मिला नहीं, खुदा वाले को कत्ल किया, बस वहीं से तारीख मिली कि हमेशा झगड़ा खुदा से होता है, खुदा मिलता नहीं। हाय हाय भाई कहां है आप? खुदा वाले को कत्ल किया जाता है, खुदा मिलता नहीं। खुदा वाले को कत्ल किया जाता है, हुसैन थे खुदा के नुमाइंदे। अरे भाई मैं कहां तक बात को ले आया हूं? हुसैन थे खुदा के नुमाइंदे, इसलिए मैदान कताल में भरा घर लुटाने के बाद भी, सरोतन में जुदाई हो जाने के बाद भी, क्योंकि यजीद ने कहा था कोई कुरान नहीं आया, कोई आयत नहीं आई, नौ के नैजा पर जाकर हुसैन ने गवाही दी कि कुरान भी आया था, वही भी आई। सलावत वर मोहम्मद वाले। कुरान भी आया था, वही भी आई। सुनिए, अजीब और गरीब मंजिल से गुफ्तगु है गुजर रही। कुरान भी आया नौ के नाजा पर, तिलावते कुरान, वो भी सूरह कहफ, सूरह कहफ की तिलावत हो रही है। सूरह कहफ है क्या? का जिसमें जिंदों का तस्किरा है। हाय हाय तवज्जो चाहता हूं। जिसमें जिंदों का तस्किरा है, उस सूरह की तिलावत करके हुसैन इब्ने अली ने कयामत पैगाम दिया कि तू ये सोच रहा था कि रगे कट जाएगी तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, तुझे मालूम ही कहां है, जितनी रगे कटती जाती है उतनी रगे उससे मजबूत होती जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। महसूस करिए, जितनी गले की रगे कटती जाती हैं उतनी दिल की रगे उससे मजबूत होती जाती हैं। महसूस किया आपने? गवाही दी, गवाही दी कि कुरान भी आया, वही भी आई। यूं तो झगड़ा उसका खुदा से था, मगर खुदा मिला नहीं तो खुदा वाले को कत्ल कर दिया। अब आज जो लोग उठे हैं, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, अरे जब अल्लाह उधर है ही नहीं। हाय हाय मैं कुछ कह के गुजर गया हूं भाई। कहां है आप? आप लिखते रहिए, कहते रहिए, मगर आप जुमला सबके लिए है जो अब तक खामोश रह गया,
वो उसका नसीब है ये जुमला, जो समझ गया वो बोलेगा और जो यहां नहीं समझा वो घर में जाके बिस्तर पर समझेगा कि मैंने क्या कहा। यजीद कान शराबी जुआरी बंदरों से खेलने वाला सारे फेले हराम अंजाम देने वाला उसके साथ इतना मोतबर लफ्ज रजी अल्लाह है नहीं महसूस किया आपने भाई? अभी जुमला पहुंचना चाहिए। इतना मोहतरम लफ्ज रजी अल्लाह उसके साथ लगाकर आपने अपना मेयार बता दिया कि आप माजी में कैसे कैसों को मानते आए हैं। आपने अपना मेयार तो बताया कि आप माजी में कैसे कैसों को मानते आए हैं। अरे कुछ तो लिहाज रखा होता कि सहाबी भी रजी अल्लाह और यजीद भी रजी अल्लाह, कुछ तो फर्क होता नहीं? अजीब लोग हैं और फिर हमसे कहते हैं अजी आप ही ना मारा है, आप ही रो रहे हैं। ये नई बात है, आप ही ना मारा है आप ही रो रहे हैं, ये सीना पीट पीट के अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं, रोते जाते हैं ताकि इनके गुनाह कम हो जाएं, इनके गुनाह कम हो जाएं, ये रो रो के माफी मांग रहे हैं। तो भैया माफी रो के ही मांगी जाती है। देखिए मैंने बहुत अजीम व गरीब जुमला कहा है, अभी मैं दलील दूंगा तो बात आसानी से पहुंच जाएगी। माफी हमेशा रो के मांगी जाती है। जब आदम जमीन पर आए, नहीं महसूस किया आपने भाई जहां मैं ले गया हूं, आदम ने अपने गुनाह की माफी, जो तर्क औला हुआ, गुनाह नहीं माफ कीजिएगा, तर्क औला माबूद रो रहे हैं, वसीला माफी रो रहे हैं, रो के दुआ मांग रहे हैं, रो के इल्तजा कर रहे हैं, मुनाजात रो के हो रही है, हमेशा रो के ही माफी मांगी जाती है। नहीं महसूस किया आपने भाई? आप जो ये कह रहे हैं कि ये रो रो के माफी मांग रहे हैं, चलिए हम माफी मांग रहे हैं मान लिया, मगर आप भी मैदान में आइए, और आप तो आ ही चुके हैं, हम भी निकल के आ रहे हैं, फैसला भी हुआ जा रहा है, यजीद पर आप भी लानत कीजिए, यजीद पर हम भी लानत कर रहे हैं, फैसला हुआ जाता है कौन कातिल के साथ है कौन मक्तूल के साथ है, फैसला भी हुआ जा रहा है ना, कौन कातिल के साथ है कौन मक्तूल के साथ है। बहरहाल तो हुसैन उस गवाह का नाम है कि जिसने आखिरी लम्हे में भी तौहीद का परचम बुलंद रखा, तौहीद का परचम बुलंद रखा। पहला जवाब इमाम ने दिया नो के नैदा से, या कुरान आया वही आई। दूसरी बात यजीद ने क्या कही कि कोई नबी नहीं आया, माजल्ला माजा अल्लाह, यह आले मोहम्मद ने हुकूमत के लिए कहा था कि हम नबी हैं, हम अल्लाह की हुज्जत हैं, कोई नबी नहीं आया, कोई अल्लाह की हुज्जत नहीं आई। अभी इसका जवाब रह गया, हुसैन ने सजदा आखिर किया, नोके नैजा पर जाकर गवाही दी कि कुरान आया था, वारिस हुसैन बन के अली इब्न अल हुसैन चले। हाय हाय,
पहुंचे दरबार में, मजमा कसरत बैठे हुए, एक शख्स है जो बकवास कर रहा है। एक मर्तबा इमाम ने कहा, इजाजत है कि इन लकड़ियों के ढेर पर जाऊं? नहीं पहदार हैं आप जहां मैं ले गया हूं भाई, इजाजत है कि मैं इन लकड़ियों के ढेर पर जाऊं? इमाम ने कयामत तक फैसला दिया कि अगर हमारे फजाइल ना हो तो लकड़ियों का ढेर समझना। अगर हमारे फजाइल ना हो तो लकड़ियों का ढेर समझना, और जब हमारे फजाइल हो तो मिंबर समझना। जब हमारे फजाइल हो तो मिंबर समझना, वरना लकड़ियों का ढेर, वरना लकड़ियों का ढेर। इमाम पहुंचे, वारिस मिंबर, मेंबर पर जलवा अफरोज, क्या मंजर रहा होगा। अच्छा एक लम्हे के लिए रुकिए, इमाम ज़ैनुल आबदीन की वालिदा का क्या नाम है? शहर बानो, जो अजम की शहजादी है, यानी ईरान की शहजादी है। अरब और अजम की लड़ाई हमेशा से रही, अरब यह कहता था कि हमसे अच्छा कोई बोलना नहीं जानता, फसाहत और बलागत हमारे पास है। अजम को ताना देता था, यह याद रखिएगा, वो है जनाबे शहरबानों के बेटे, इमामत मेंबर पर गई, अब जो बोलना शुरू किया, मैं जुमला कह दूं आपकी समातों की नजर है यह जुमला, अब जो शहजादा बोलने लगा, मैंने मंजर देखा कि सारे अरब ज़ादे खामोश थे और आजम की शहजादी का बेटा बोल रहा था। और किया, सारे अरब ज़ादे खामोश थे, आजम की शहजादी का बेटा बोला, जो नहीं जानता वो जाने पहचाने, मैं मिना का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं उसका बेटा हूं जिसने एक वक्त में दो तलवारों से जंग की। इमाम अपने फजाइल पढ़ रहे हैं, पर जब फजाइल का शोर उठा, हाय हाय मैं बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं, जब फजाइल का शोर उठा तो यजीदियत घबराई। अरे भाई कहां है आप, मैं जहां ले गया हूं, यजीदियत घबराई, अब समझ में आया फजाइल से कौन घबराता है। जितने यजीदियत मिजाज लोग हैं उन्हें आज भी फजाइल अहले बैत समझ में नहीं आते, वो कहते हैं ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए। अरे भैया जब फजाइल कम हो तो ये पढ़ा जाए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फजाइल कम हो तो ये पढ़ा जाए, ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए। दरबार में देखिए क्या हो रहा है, असलहे उसके, भाले उसके, नैजे उसके, तीर उसके, तबर उसके, सिपाही उसके, हामी उसके, शामी उसके, हाय हाय पूरा दरबार उसका,
और इमाम पढ़ रहे थे फजाइल। इमाम ने कयामत तक पैगाम दिया कि दरबार चाहे जिसका हो फजाइल हमारे ही पढ़ना। गौर किया, दरबार चाहे जिसका हो फजाइल हमारे होंगे। बट जब यजीदियत घबराई तो कहा हुक्म आजा दिया, एक के लिए कहा था सात उठे, एक सात उठे। अरे हाय क्या सुन रहे हैं आप, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। सात उठे, एक सात उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हमारी समझ में आया कि जब फजाइल हो और मुकाबले पर कुछ लाया जाए, हाय हाय हाय, ये भी यजीदियत मिजाज लोगों का चलन है कि वो फजाइल के मुकाबले हमेशा या खुदा को लाते हैं या खुदा से मंसूब चीजों को लाते हैं। मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने कहा बेशक बुजुर्ग की उसके लिए। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन ने कहा यह कहा, इमाम ने जवाब दिया मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक, इन्हीं को सेब देता है कि उसकी गवाही दें। हाय हाय नहीं पहुंचे आप, पहचान ले गया हूं भाई, इन्हीं को सेब देता है कि ये उसकी गवाही दे, इसलिए कि वो दावा है। हाय हाय मैं रुक के सुन लीजिए, इन्हीं को सेब देता है कि ये गवाही दे उसकी। तीसरी बात मौसी ने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बात गवाह की है ना, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मौसिन ने कहा, इमाम ने अब मौसिन का जवाब नहीं दिया बल्कि यजीद से पूछा बता ये तेरे दादा का नाम है। कितनी आहिस्ता से सुन लिया आपने भाई, ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम। इमाम ने ये पूछ के फैसला सुनाया है। इमाम ने क्या पूछा था यजीद से, ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम। इमाम ने ये पूछ के यजीद को औकात बताई कि तू तो अभी कह रहा था कोई नबी नहीं आया, ले देख दरबार तेरा है, नबूवत की गवाही दी जा रही है। गौर किया आपने भाई, गौर किया आपने, इमाम ने उसको उसी के दरबार में जवाब दिया कि तू तो कह रहा था कोई नबी नहीं आया, दरबार तेरा है और नबूवत की गवाही है। एक ने नहीं सात ने एक साथ गवाही दी। हाय हाय अल्लाह अकबर, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसमें भी रास पोशीदा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक साथ साथ ने कहा और ऐसा कहा कि शामी हुकूमतें तो खत्म हो गईं,
हाय हाय, मगर सिक्का मोहम्मदिया चल रहा है। देखो आके आज हर मस्जिद से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज है कि नहीं है, ये करम है उसका कि जिसने ऐसे आलम में सजदा किया कि जहां किसी को याद खुदा भी नहीं आती। यह उसका एहसान है और वो अकेला नहीं, इमाम सज्जाद जिनके साथ तत्हीर आशना बच्चे, तवज्जो चाहता हूं भाई, इस्मत मां बीबियां ऐसे काफले के काफला सालार थे ज़ैनुल आबिदीन। एक सायल है जिसे ज़ैनुल आबिदीन ने रोक लिया, वरना वाकई करबला के बाद हमसे बड़ा दहशतगर्द कोई ना होता। इस बदनामी के दाग से बचा लिया इमाम सज्जाद ने कि जब तुम्हें याद हुसैन आए तो फर्श पर आ जाना, और जब मेरे बाबा के कातिलों से नफरत हो तो उन पर खुदा की लानत करो। मैंने गालिबन निसार भाई के ये जुमला कहा था, मैं जर्रे भाई वहां मौजूद थे, मसायब तक पहुंच गया हूं इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं, और इसे नोट कीजिए कि ये जो अभी मैंने तौरान तकरीर कहा कि ये जो लोग निकले हैं यजीद अजी अल्लाह कहने वाले, कल भी आप लानत कर रहे थे यजीद पर, आज भी कर रहे हैं, मगर आज और ज्यादा कीजिए लानते हैं, खुल के कीजिए लानत, इसलिए कि कल आप लानत कर रहे थे तो यजीद तक पहुंच रही थी, आज लानत कर रहे हैं तो औलादों तक पहुंच रही है। हाय हाय हाय, औलादें सामने नजर आ रही हैं, तो बाप की विरासत बेटों को दी जाती है, हाय हाय, ताकि अमानत में खयानत ना होने पाए, इसलिए लानतें बेटों तक पहुंचाइए कि अपने बाप तक इसे पहुंचा दो। हाय हाय, इसलिए कि यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है और कयामत तक लानती रहेगा, इसलिए कि जो अल्लाह के नुमाइंदे के मुकाबले पर आ जाए फिर वो अल्लाह के मुकाबले पर है, और जो अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए वो काबिले लानत होता है। बाज़ीज़ों, इमाम सज्जाद का एहसान है कि जब याद हुसैन आए आंसू, कई बरस के बाद इस पेडलेस में हाजिरी हुई, अल्लाह अकबर, मैं समझता हूं कि आज रोने के लिए यही काफी है कि आज उस बीबी का मातम है जिसे रिहाई नहीं मिली, सब रिहा हो गए मगर सकीना आज भी कैद खाने में। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाजों पर नुजूल रहमत नाजिल फरमाए, उसकी रहमतों का नुजूल हो इन आवाजों पर। अल्लाह अकबर, सोचिए अजीजों,
चार बरस का सिन कोई सिन होता है? अल्लाह अकबर। जब बाप को रोती थी तो तमाशे मारे जाते थे। इनके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो इन मसाइब को ज्यादा गौर से सुने। फुर्सत दीजिए, इसलिए कि आज बीबी रबाब की गोद उजड़ गई। इसके सहारे करबला से शाम तक बीबी रबाब आई थी, आज वो बीबी इस दुनिया से रुख्सत हो रही है। सुनेंगे आप ज्यारत नाहिया का एक जुमला है, हमारे और आपके आखिरी इमाम फरमाते हैं कि सलाम हो उस बीबी पर कि जिसके रुखसारों की रंगत करबला से कूफा, कूफे से शाम मुसलसल बदलती। क्यों ना बदलती? इसलिए कि जब बाबा को याद किया तमाशा मारा गया, जब चचा को याद किया पुष्प ताजियाना मारा गया। वो बीबी हो सकता है तो चार मिनट ज्यादा हो जाए मसाइब में, तो मुझे माफ कीजिएगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप दिल खोल के पुरसा दे लीजिए। हर मजलिस में बीबी सकीना आती है अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए। अगर आज खुद हुसैन आए होंगे, मेरी बेटी का मातम, उस बेटी का मातम है जो इस दुनिया से रुखसत हुई तो प्यास ही रुखसत हो गई। जिस बीबी को पानी नहीं मिला, हमारे और आपके चौथे इमाम अक्सर ये फिक्रा कहते थे, हाय मेरी प्यासी बहन, हाय मेरी प्यासी बहन। एक शख्स ने पूछा कि मौला, मैंने सुना कि कैद खाने में पानी भी आता था, खाना भी आता था, मगर फिर भी आपकी बहन प्यासी रह गई, भाई सुनेगा तू? उसने कहा बिल्कुल इमाम। इमाम ने फरमाया कि मेरी बहन के सामने पानी आता था कैद खाने में, मगर मेरी बहन पानी को उठाती थी, मेरे करीब आती थी, पान के कहती थी भैया अपनी हथकड़ियों को आगे कर दो। भैया अपनी बेड़ियों को आगे कर दो, इसलिए कि जालिम मुझे धूप में बिठाते थे, धूप के सबब मेरी हथकड़ियां जलने लगती थी, मेरी बेड़ियां जलने लगती थी, मेरी बहन उन हथकड़ियों में पानी डाल देती थी, बेड़ियों में पानी डाल के कहती थी भैया तुम्हें कुछ आराम मिल जाए। ये है जनाब सकीना। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, शहादत नहीं पढ़ता, मैं एक मंजर पढ़ूंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादारों, वो बीबी अपने बाबा को याद करते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। जब बीबी रुखसत हुई, सामने बहन की मैयत रखी हुई है, सामने बहन की मैयत रखी हुई है, खुदा किसी भाई को यह मंजर ना दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा है। सामने बहन की मैयत है और भाई के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, करे में खातार तौख है। अजीजों, यहां जनाजे में आप शिरकत करते हैं, जब मैयत कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, अब जो मसाइब का फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं, अब किसी के जनाजे में शिरकत करेंगे तो आपको ये मसाइब जरूर याद आ जाएंगे। हां, जब मैयत को कब्र में उतारा जाने लगता है तो जल्दी से दो आदमी कब्र में उतर जाते हैं, ऊपर खड़े हुए लोग मैयत को सहारा देते हैं। हां क्यों? इसलिए कि मैयत को कोई तकलीफ ना होने पाए, मैयत आसानी से कब्र में उतार दी जाए। अरे जरा कैद खाने में चलो, जहां बहन की मैयत सामने रखी हुई है, बीमार के हाथों में हथकड़ियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे बीमार इमाम ने बहन की मैयत को उठाया, कब्र में रखने लगे, दो हाथ बरामद हुए, लाओ सैयद सज्जाद,
मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। ये कहते हुए अमानत को हवाले किया, ए बाबा बेटे को माफ कर देना, तेरी अमानत लौटा रहा हूँ, मगर रुखसार नीले है, कालों की लवे बड़ी है, पुष्ट जख्मी है, ए बाबा तेरी अमानत तेरे पास आ रही है। इलाही बेहक जहरा वाबी खा वाले मातम हुसैन।